क्या आप तैयार हैं राजस्थान के चुनावी गर्मी और मौसम की दोहरी मार के लिए? आज हम आपको बताएंगे चुनाव के दिन किन जिलों में पारा 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है और आने वाले दिनों में मौसम कैसे बदलेगा। राजस्थान में इस समय मौसम का मिजाज बेहद गर्म है। चुरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिले में तापमान ने पहले ही 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खासतौर पर मंगलवार को चुरू में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि सोमवार के मुकाबले 1.6 डिग्री अधिक था। 26 अप्रैल को जब राज्य में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा होगा तो मौसम का तीव्र गर्मी से भरा होना अपेक्षित है। इस दिन राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जो कि मतदान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 25 और 26 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की गर्मी हवा के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिसमें गर्मी का प्रभाव और भी बढ़ेगा। चुनाव के दिन बाहर निकलते समय मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे लू से बचने के लिए पूरी तरह से कपड़े पहने, पानी पीते रहें और धूप से बचाव के लिए छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि विक्षोभ के दबाव में कमी के साथ ही शिखावटी सहित प्रदेश भर में धूप के असर में तेजी के साथ गर्मी में बढ़ोतरी होगी। गर्मी में बढ़ोतरी के चलते 25 और 26 को शिखावटी सहित प्रदेश के कई स्थानों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने की आशंका जताई है। इसके अलावा अगले 2 दिन मौसम में बदलाव होगा, लेकिन 26 अप्रैल को आंधी के साथ कई जिलों में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। लोकल 18 सीकर से राहुल मनोहर की रिपोर्ट।